व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। 17 अक्टूबर है आज। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, वीडियो को रोकेगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद में आगे बढ़िएगा। भले ही जीरो स्कोर क्यों ना आए, पर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आप लोगों के आगे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनेगा, क्योंकि जैसे आप लोगों का मान लीजिए कम है स्कोर, तो आप लोग उसके बढ़ाने की सोचेंगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा वीडियो की जो पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की जा रही है कि इंडिया ने और चाइना ने मिलकर, दोनों कंट्री ने एक साथ मिलकर ज्वाइंट प्रोग्राम चलाने की बात की है नेपाल के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने के लिए। आप लोगों को पता है लोकेशन नेपाल की कहां पर है, और कई बार कई सारी बातें निकल कर आती रहती है। तो यहां पर बोला गया है कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर यहां पर नेपाल के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नेपाल के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान एक बार आप लोग मैप में निहार सकते हैं, ये यहां पर देखिए अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान में यहां पर इंडिया और चाइना दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, तो फायदा क्या रहेगा वहां पर? फायदा ये रहेगा यहां पर कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है, खासकर जो टेररिस्ट एक्टिविटी अफगानिस्तान में फैलाई जाती है पाकिस्तान के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सोल्यूशन निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां पर चाइना मिलकर काम करेगा, तो फिर चाइना ये तो है नहीं कि किसी न किसी तरीके से कि पाकिस्तान को ये बोलेगा कि यहां पर जो है एक्टिविटी चल रही है उसको चलने दो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बोलेगा ना कि थोड़ा शांति बनाए रखो यार। क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान अगर किसी प्रोजेक्ट में मिलता है, तो वो सामने वाला भी, अब पाकिस्तान भी सोचेगा एक बार वहां काम करने से पहले कुछ उल्टी सीधी हरकतें कि यार चाइना भी काम कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये आप लोगों को डायल्यूट होता हुआ नजर आएगा पाकिस्तान। और इसी के साथ में देखिए कई सारी बातें की जाती है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए। एक तरफ से आप लोग देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत कोशिश करते हैं अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए। तो एक आप लोग ये कदम बोल सकते हैं इसकी ओर, जिससे कि यहां पर और शांति बना के रखी जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी क्रिटिकल पोजिशन पर है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि देखिए यहां पर ये फर्स्ट एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो दोनों के द्वारा चलाया गया है साथ में मिलकर काम करने का। और आखिर कहां से आई ये बात निकलकर? ये बात निकलकर आई चाइना में वांग सिटी में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की दोनों की मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग थी एक इनफॉर्मल मीटिंग। इनफॉर्मल मीटिंग क्या होती है? एक ऐसी मीटिंग जहां पर कुछ भी पहले डिसाइड ना हो कि हम लोग क्या बातें करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, उदाहरण में देता हूं हमेशा, अगर आप लोग पार्टी करने जाते हैं तो आप लोगों ने यह डिसाइड नहीं किया कि आप लोग क्या क्या खाना है, जो मिलेगा खा लेंगे यार चल के वहां पर, तो इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग करते हैं। पर लेकिन अगर कहीं शादी में आप लोग जाते हैं, तो वहां पर पूरा मेन्यू होता है, यहां पर आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या यहां पर बना हुआ है, सारी चीजें आप लोगों को वहां पर पहले से ही, मतलब जो बनाया जाता है, जो खासकर उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो सारी चीजें पहले से डिसाइड करते हैं कि हाँ ये चीजें हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझते हैं। तो इनफॉर्मल मीटिंग में यहां पर कोई डायमेंशन नहीं होती है क्या क्या बात करनी है, सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम लोग अपने रिश्ते जो है सुधारने हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया और चाइना, एक क्वेश्चन बन सकता है। किसके लिए काम कर रही है? अफगानिस्तान के लिए काम कर रही है। कहां पर हुई थी? वांग सिटी में मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हल्का सा अगर देखें तो ये अभी चल रहा है, 15 से 26 अक्टूबर तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, और आज है 17 अक्टूबर, ठीक है। तो दोनों ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसके ऊपर मिलकर, और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, यहाँ पर अप्रैल में वांग सिटी में दोनों मिले थे, जहां पर इनफॉर्मल समिट के दौरान ये सारी बातें डिस्कस की गई थी कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं और अफगानिस्तान में शांति बनाने का काम करते हैं। ओके, आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर, यह सुल्तान जोहर कप। देखिए आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि सुल्तान जोहर कप, इतना वर्ड बोल दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस गेम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट इन न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसका 8वां अभी एडिशन हुआ, संस्करण 8वां उसका हुआ, और उस 8वें एडिशन में इसने इंडिया को हराया है ग्रेट ब्रिटेन ने, ठीक है। तो किसको हराया? ग्रेट ब्रिटेन ने इंडिया को हराया है। किसने हराया? ग्रेट ब्रिटेन ने। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? यहां बोला गया कि देखिए इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के अलावा यहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और न्यूजीलैंड कंट्री भी आप लोगों को नजर आएंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर तो हो गया यहां पर सी। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ये जो स्टार्ट किया गया था 2011 से स्टार्ट किया गया था, और ये हमेशा आप लोगों को यहां पर मलेशिया में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मलेशिया में ये है जोहर बारू, ये एक एरिया है जहां पर ये होस्ट कराया जाता है हर साल, देख सकते हैं आप लोग। इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये हर साल मलेशिया में ही होस्ट कराया जाता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। सिटी का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये सिटी कहां पर पड़ती है, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? 2013 और 2014 में हमारे द्वारा जीता गया ये, ठीक है, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया
कप कब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया 16 और 17 में, दो बार ऑस्ट्रेलिया इसको जीत चुका है। ग्रेट ब्रिटेन आप लोग देखते हैं यहां पर, दो बार ग्रेट ब्रिटेन जीत चुका है 17 में और 15 में, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा मलेशिया और जर्मनी ने एक एक बार जीता है। तो टोटल ये आप लोगों के सामने इसका पूरा खाका है कि कौन कौन कब कब इसको जीता है, तो ये कुछ हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो इंडिया के पहले भी ये पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया ने इसको पहले कभी जीता है, ऐसी भी स्टेटमेंट आप लोगों को बनाई जा सकती है। तो हाँ बिल्कुल जीता है भैया, दो बार जीता है 13 और 14 में, ठीक है, और ये इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, और हाँ हल्का सा ये भी है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखते हैं, 2011 से स्टार्ट किया गया था, वहाँ पर ही खेला जाता है, उसमें मलेशिया में ही खेला जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। सबसे ज़्यादा किस बार जीता गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, इंडिया के द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, सबके द्वारा दो दो बार ये टाइटल जीता जा चुका है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो अभी यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की यहाँ पर रिपोर्ट आई, जिसके तहत यहाँ पर 119 कंट्री में हमारी जो रैंक रही ये 103 रही। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट छोटा का सही है, यहाँ पर हमारी जो रैंक रही ये यहाँ पर 103 रही है। तो यहाँ पर जो बोला गया 119 में से 103 रैंक रही है, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया की रैंक कितनी रही है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ये इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो यहाँ पर ये एनजीओ जिसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की ये एक एनजीओ है, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या ये इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? जी हाँ, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, पर लेकिन एडिशन, देखिए यहां पर ओनली नहीं लिखा हुआ है, अगर ओनली लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, ये आप लोग ध्यान दिया कीजिए। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन बनाते समय यहां पर ओनली लिख देता कि ओनली इसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता, पर मैंने यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये प्रिपेयर करती है, पर इसके साथ में मिलकर यहां पर एक और है जो प्रिपेयर करती है, वो कौन है? ये जर्मनी की एक एनजीओ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है। अगर ओनली लिख देता तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती और फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिएगा थोड़ा। तो दोनों एनजीओ का नाम आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कंसर्न ग्लोबल वाइड, आयरलैंड की है ये, और दूसरा यहाँ ये वर्ल्ड वाइड, दूसरा यहाँ पर वेल्थुगर हिल्फ, ठीक है। थोड़ा सा नाम उल्टा सीधा सा है, देख लीजिएगा, ये आप लोग कंट्री का तो नाम याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, ये आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर वेल्थुगर हिल्फ, तो ये है एक दूसरी एनजीओ जो दोनों एनजीओ के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। एक है कहाँ की? आयरलैंड की, और दूसरी है जर्मनी की। ओके, अगर मैप में भी आप लोग देखना चाहे तो एक तो हो गई आयरलैंड की, ये वाला एरिया हो गया आयरलैंड, और एक हो गई जर्मनी की। तो इन दोनों के मिलके द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया से रिलेटेड है और एक बाहर की कंट्री है, और खासकर एक अवार्ड से रिलेटेड है, यानी कि एक प्राइज से भी रिलेटेड है, इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम की जा रही है यहाँ पर, यह है डॉक्टर तेंजेन बाई, ठीक है, नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को देखने को वैसा लग रहा है पर लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा भी आप लोगों को कौन है पर्सनैलिटी। ये एक आर्टिस्ट है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से आर्टिस्ट हैं और इनके द्वारा यहाँ पर 2018 का ये फुकुओका कला, फुकुओका आर्ट अवार्ड यहाँ पर जीता गया, आर्ट एंड कल्चर अवार्ड, फुकुओका आर्ट एंड कल्चर अवार्ड यहाँ पर इनके द्वारा जीता गया है। क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वन ऑफ द टॉप ऑनर है अगर देखा जाए साउथ कोरिया का। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये है जापान, साउथ कोरिया नहीं है, यहाँ पर जापान है। तो जापान का ये वन ऑफ द मोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऑनर है, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है पर्सनैलिटी और ये ओनर है जापान का, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक इंडियन पर्सनैलिटी को दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गई, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बात की जा रही है यहाँ पर नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के साथ में साइन पैक्ट किया गया अभी गूगल का, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए अलग अलग फील्ड में। क्या ये बात सही है? बात सही है, पर लेकिन नीति आयोग का साइन तो किया गया पर यहाँ पर गूगल नहीं है, ये है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साइन किया गया है। एम क्या है? एम यह है कि एग्रीकल्चर और हेल्थ के फील्ड में किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और चीजों का सुधार कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है, तो अलग अलग एरिया में किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर, ये अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट है ना कि गूगल। गूगल कई बार न्यूज में रहती है कई सारे रीजन की वजह से, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया और इसराइल के बारे में।
इंडिया और इसराइल ने यहाँ पर ये किया है, इंडिया इसराइल इनोवेशन सेंटर, यानी कि इनोवेशन के फील्ड में काम करने की बात की जा रही है। तो इसकी फर्स्ट एवर अभी इनोवेशन जो है देखने को मिली है, कहाँ पर देखने को मिली आप लोगों को मीटिंग, ये न्यू दिल्ली में देखने को मिली। स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये न्यू दिल्ली नहीं है, क्या है अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। एम क्या है, एम ये है कि दोनों कंट्री पार्टनरशिप करना चाहती है, खासकर ज्वाइंट वेंचर करना चाहती है, दोनों कंट्री की कंपनी किस तरीके से एक दूसरे के यहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। खासकर फोकस दिया जाएगा इसराइल की कंपनी इंडिया में आकर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपना किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसा एरिया खोज कर जिससे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर सकें और आगे बढ़ सकें, ये फोकस यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिला और ये फर्स्ट ऑफ अपने ही काइंड का एक फर्स्ट था ये जो यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए देखा गया। यहाँ पर पेनिट्रेशन इसराइल की कंपनी करना चाहती है इंडिया में, एक इन्वॉल्वमेंट बनाना चाहती है ताकि अच्छे से इंडिया में काम कर सके। ठीक है, इंडिया को एक तरीके से इमर्जिंग इकोनॉमी की तरीके से देखा जा रहा है, एक हब देखा जा रहा है, यहाँ पर सब एक आकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा एक अलग ही हमारा आज की डेट में रुतबा है अगर आप लोग देखेंगे तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका सी, यानी कि नहीं सी नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया बी, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, यहाँ पर ये न्यू दिल्ली नहीं है, बेंगलोर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ऐसी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यहाँ पर नाम लिख दे जाएंगे, तो कई बार आप लोगों को जो स्कीम्स होती हैं उनके आप लोग नाम की फुल फॉर्म जरूर याद रखा कीजिए आप लोगों को, अगर कंफ्यूजन से बचना है, वरना पता होते होते भी आप लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे, और पता होते होते क्वेश्चन को गलत करने का सबसे सबसे बुरा तरीका होता है अगर आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं पता होते होते भी, तो ये सबसे बुरा आप लोगों को लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है उसका समझ में आता है, ओनली फुल फॉर्म नहीं पता उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये गलत बात है। ठीक है, तो अभी बात क्या की जा रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है क्रॉप लॉस जो हो रहा है, खासकर जो एनिमल वाइल्ड एनिमल होते हैं ना, जो जंगली जानवर बोलते हैं, सुअर नील गाय वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो इनकी वजह से जो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस कवर कौन सी स्कीम के तहत बोला गया है, तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह है यहाँ पर पहले जो योजना हुआ करती थी ना, वे नॉर्मली यहाँ पर इतना ज्यादा वाइल्ड एरिया या फिर आप लोग बोले इतना ज्यादा एरिया कवर नहीं किया करती थी, वाइल्ड एरिया कवर नहीं करती थी, पर अब इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्हीं सब चीजों पर फोकस देते हुए यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी आज के दिन में पार्टिसिपेट करती है कई बार, तो यहाँ पर क्या है कि खासकर इस एरिया में भी फोकस दिया जाए जो चीजें कवर नहीं की जाती थी, यानी किसानों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस दिया जाएगा। नॉर्मली जैसे बाढ़ में हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, या फिर बारिश ज्यादा आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, वो तो यहाँ पर ही है, अब यहाँ पर एनिमल के अटैक से जो लॉस हो रहा है उसको भी कवर किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ पर बात की जा रही है अभी हमारी कंट्री के साथ में, जो हमारी कंट्री में CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, साइन किया है यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट होता है, कौन सी इंटरनेशनल बॉडी के साथ में कॉपरेट करने की बात की गई है इन्वायरमेंट के फील्ड में, तो यह यूएन के साथ में बात की गई है, यूएन इन्वायरमेंट के साथ में, और बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम रही है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों को इन सब चीजों को हैंडल करके चलना है, तो आंसर है सी। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, अभी फर्स्ट अभी जो टेस्ट होता है यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसको हम लोगों ने हरा दिया है राजकोट में, तो यहाँ पर जिसमें विराट कोहली ने जो अपनी सेंचुरी मारी थी, तो वो कौन से नंबर की ये इंटरनेशनल सेंचुरी थी जो राजकोट में मैच हुआ था। ठीक है, तो ये थी देखिए 30वें नंबर की, और विराट कोहली काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड में भी टॉप रैंकिंग पे आप लोगों को नजर आएंगे, तो इस तरीके से आने वाले टाइम में ये माना जाता है कि जो सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो भी रिकॉर्ड बनाए गए हैं, यही एक ऐसी पर्सनैलिटी है इंडियन टीम में जो उनको ब्रेक कर सकता है। शानदार प्लेयर है और डेडिकेशन तो लाजवाब है बंदे का, जिस तरीके से खेलता है। आपके लिए है ये क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, नोबेल प्राइज विनर ये पर्सनैलिटी थे जिन्होंने नेम दिया था हिग्स बोसन पार्टिकल, ठीक है ना, जिसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाता था, इनकी अभी डेथ हुई है 96 यानी 96 साल की उम्र में, इन पर्सनैलिटी का आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और काफी फेमस पर्सनैलिटी, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है, आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पर एक आम के बारे में, अल्फांसो आम, जिनको यहाँ पर अभी GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था, तो यह है कोंकण, ठीक है, तो कोंकण यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है खासकर उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पाए तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग लिंक मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।